ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन, इसमें से कुछ रूल ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है मैं भी आपको ना बता पाऊं, बट जस्ट लेट्स सी ऑल द रूल्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बता तो रहा हूं, 2×10^4, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी तीन है, एक्चुअली एक रूल है, अभी इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, जस्ट सी अभी कुछ रूल्स बता रहा हूं आपको। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इरिस्पेक्टिव वेदर दे आर एक्सप्रेस इन डेसिमल और नॉन डेसिमल, ठीक है। ऑल जीरो अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस अपीयरिंग टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, समझ आ रहा है, ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, ऑल जीरोस अपीयरिंग टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, डेसिमल के राइट जितने भी जीरोस अपीयर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। उसके पीछे एक लॉजिक मैंने दे ही दिया, एक लॉजिक इन्होंने दिया था कि वी माइट सीक मोर एक्यूरेसी एंड सेकंड थिंग वी माइट रिक्वायर एक्चुअली टू कंप्लीट सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसेस। जीरो जीरो तीन हो जाएंगे, लेकिन आप 3.00 क्यों लिख रही हो आपको बताना होगा मुझे। सिग्निफिकेंस किसी के द्वारा दिया हुआ एक यूनिवर्सल गिफ्ट नहीं है, किसी बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड, क्योंकि सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है रिलेवेंस। तो तुमने सिग्निफिकेंस बताना है कि तुमने अचानक क्या ऐसी आफत आ गई तुम्हें कि तुमने वो 3 को बजाय 3 लिखने के 3.0 लिखा। अगर तुम बता सकते हो तो मैं उसको मान लूंगा, मैं क्या सारे मान लेंगे, आईटी वाले मान लेंगे, बट रिलेवेंस बताओ, ठीक है। अगला रूल, ऑल जीरोज अपीयरिंग टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स इन अ डेसिमल नंबर आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, अच्छी तरह समझ लो, किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने जीरोस होंगे वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इसने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है, यहां डेसिमल लगा दो चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे अभी भी इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। फाइन, इफ अ नंबर इज रिटन विद यूनिट ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर ये ऐसे है तो कृपा करके इसमें आप सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे, क्योंकि ये 300 नंबर जो है इसमें पहला रूल अप्लाई करो। तो क्या है पहला रूल, सो ऑब्वियसली ओनली नॉन जीरो डिजिट ही तो लोगे, जीरो क्यों ले रहे हो, डेसिमल तो है नहीं। सडनली ऐसा आ गया, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। हमने शौक बस तो ऐसे किया नहीं होगा, इसको करने के पीछे कोई तो रीजन होगा, आई माइट बी सीकिंग एक्यूरेसी और आई माइट बी सीकिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वेयर आई नीडेड दीज टू जीरोज आफ्टर डेसिमल टू आल्सो बी पुट ओवर देयर, सो प्लीज रिस्पेक्ट दैट, हमने या आपने किसी ने, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम सिग्निफिकेंस, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट नहीं। लेकिन ऐसे लिखने में सिग्निफिकेंट इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि somebody might write and then there will be dispute between two rules which I don't want, nobody wants, so clear हो गया ना। लेकिन अगर यहां सेंटीमीटर लिख दूं then 3 significant figure because now I'm actually measuring something and how can you measure some digits even if it is zero and then declare people that whatever I have measured that is not significant, you have measured something, come on, at least have that faith in you that whatever you have measured has to be significant, so any measured value needs to be given that respect that all the digits non zero zero has to be significant, logic batata ja raha hu, theek hai, haan ji, ऐसे लिखूंगा नहीं मैं, फिर तो वो जो मैं इसे ऐसे लिखूंगा फिर, समझे, अब बताओ कितना है, 3, ठीक है, ठीक है ना, ओके, कुछ लग रहा होगा कुछ हमारी मर्जी चल रही है, कभी भी कुछ बदल देते, वो तो बाय रूल वो छोड़ दिया, वो एक रूल बना लिया कि 10^2
को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो जो अगर रूल बनाया है तो किसी रूल को उसे फॉलो तो करना होगा ना। अब आप ये मत करें रूल बनाया क्यों आपने, ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि 10 टू द पावर कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऑड हो जाएगा आपके लिए काउंट करना whether they are significant or not, and maybe those 10 to the power might have not come out of an experimental result. ठीक है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री वालों से पूछना, मुझे आज तक जवाब मिला नहीं। मैंने जब भी पूछा है कि ये अवोगाड्रो ने काउंट किया था क्या, जवाब किसी ने दिया नहीं कि हाँ, किसी ने नहीं दिया कि वो अवोगाड्रो ने एक्चुअली काउंट किया था। अगर काउंट नहीं किया था तो आया कैसे वो, और आज अगर हम काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं ये सब बातें मत करो। फिर क्या बात करो, वन मोल में इतना होता बस ये मानकर चलो, लेकिन एक्चुअली वो आया कहां से, और अगर किसी ने काउंट नहीं किया तो फिर मैं उसको सिग्निफिकेंट क्यों कहूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रूल, द पावर रेज टू 10 इज नॉट यू नो काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, एंड देन द चेंजिंग यूनिट्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इट्स सिग्निफिकेंट फिगर, लाइक इन वन मीटर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 100 सेंटीमीटर, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो रूल हमने बनाया उसमें भी कुछ और चीजें बतानी बाकी है। इसका मतलब अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं जो अभी लास्ट में मैंने बोला कि चेंजिंग यूनिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो प्लीज आप थोड़े से अलर्ट हो जाओ, 1 मीटर को किसी को बोलो मत, बोलो 1.00 मीटर। अगर आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, पहले से तैयार हो जाओ, क्योंकि सपना तो आएगा नहीं अचानक से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करोगे तो किसी एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट के तहत ही तो करोगे, you might have got some calculation to be done. तो आप पहले से याद, 1 मीटर को 1 मीटर एक्सप्रेस ही मत करो, उसे ऐसे लिखो 1.00 मीटर, how many significant figure, अब now you convert into centimeter, so 1.00 meter is how many centimeter, 100 centimeter, so all the rules are obeyed, as well as कुछ इसमें problem तो आई नहीं। Exactly, हम देखकर चलते हैं, हमें न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट हमें कैलकुलेशन जब रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं फिजिक्स लैब में, पर्टिकुलरली जो कुछ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोट करते हो उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे माइट हैव बीन रिक्वायर्ड टू डू लाइक दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सीकिंग एक्यूरेसी प्रोसेस और मे बी सम एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट, which not necessarily at the time when you are writing you would be revealed. Sorry. So, 300 centimeter में 3 significant. ठीक है. यहाँ पर भी meter per second है. हाँ. यहाँ पर भी no significant. वो by rule उसको छोड़ दिया रा. 3 × 10⁸ out of measurement आया क्या ये? Meter per second ये भी speed of light है. Speed of light है लेकिन out of measurement तो आया नहीं ये. ये तो हो सकता है assumption हो कोई. हमें क्या पता कैसे आई है, आप मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट जो आई थी आउट ऑफ मेजरमेंट कितनी आई थी, तो उसमें सारे सिग्निफिकेंट होंगे जितने फिगर होंगे, तो इसलिए 10 to 2.986 समथिंग आई थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो वो एक्चुअली बना दिया राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ लिख दिया, तो अब उसमें हम सिग्निफिकेंट कैसे बता दें आपको सिग्निफिकेंट क्या है, ये तो गलत है। ऐसे 6.023, ध्यान से देखो 6.023 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बस उतने ही है, क्या पता यही नंबर आया हो अवोगाड्रो से, बाकी उन्होंने जो लिखा हो 10⁰³ वो आउट ऑफ सम थॉट प्रोसेस या आउट ऑफ सम रिलेटेड कैलकुलेशन हो जो कि एक्सपेरिमेंट में नहीं आया हो। कौन सा बताओ, किसी सिस्टम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या 10⁻⁴, आप कोई भी नंबर ले लो, आप एक फोर्स लेती हो, आप फोर्स लेती हो 50 न्यूटन, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, टू सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको डाइन में कन्वर्ट करो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है एज पर रूल 2, क्योंकि इसको नहीं लेना है। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि 10⁻⁴ को छोड़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहां 5 था या 6 था, फिर भी इनका हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे ही 10⁻⁴ को इनर्ट सेल रूल बना लो, 10⁻⁰ कुछ भी नंबर रेज करो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ एग्जैक्टली, अब अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं 5.08 × 10⁻⁶,
तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिर. लेकिन अब मुझे अब ये मजाक थोड़ी चल रहा है, अचानक से 50 का 5.08 कैसे हो गया भाई? मेरे पास स्ट्रांग लॉजिक होना चाहिए आपको बताने के लिए, और आपके पास स्ट्रांग राइट होना चाहिए जानने के लिए. ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख दूं, कुछ भी आन लो, हाँ सर जय हो सर आपकी. तो ये जब मैं लॉजिक दूंगा, अगर मैं लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक आपको समझ आ रही है, तब तो कहोगे ना कि यार क्या बात है, आई थिंक दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कहो ना उसे सिग्निफिकेंट अगर इंपॉर्टेंट है तो. सो दैट बिकम सिग्निफिकेंट. सो अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, वेन वी से सम रूल और सम नंबर टू बी सिग्निफिकेंट, वी आर ड्रिवन बाई इधर प्रोसेस ऑफ सीकिंग मोर एक्यूरेसी और बाई मे बी डिमांड ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अदरवाइज इट्स नॉट योर विश, योर विल कि कभी भी कोई भी नंबर लगा दो बोलो सिग्निफिकेंट है. ठीक है, इज इट ओके? Five, fifth and seventh law again. Just give me what is fifth law, children? If a number is written with unit, all digits are significant. Very simple. Whenever you write any number and you write unit associated, that means you are actually giving this number out of some measurement. How can you associate a unit without measuring? How can someone write any number and associate a unit without actually measuring? So if someone has written some number, whether zero or non-zero or mixture of that, and then write a unit, that means that particular number actually is a result of a measurement, a serious affair for you. And therefore, please be serious. That means all the numbers you have written, that has to be significant. So that rule is very simple. Okay. And when you write a number and don't associate units, then please take only non-zero digits significant. Okay. Provided 300... 800. How many significant figure? How many? Very good. Four significant figure. Leave it. But once it becomes second, six significant figure. Now six significant figure. ठीक है? Is it okay? Convert into 10 to the power. Scientific form में लिखो. How many significant figure? Six significant. So converting the number into 10 to the power will not change the significant figure. Suddenly, all of a sudden, just because I have written the decimal here, if you write two more zeros here, लिख दिया. अब इसके context मत देखना. अभी जब मैंने start किया था तो आपने मुझे एक debate में फंसाया था कि वो जब मैंने एडिशन कराना शुरू किया आपसे, आप कुछ लोगों को लगा होगा ये क्या हो रहा है, 11th में आके 5.18 में 5 ऐड करने को कह रहे हैं. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर ना देखूं तो मैंने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, क्योंकि तो हम करते आए अब तक. डेसिमल के आगे तो कोई भी जीरो, टीचर भी बोला है कि लगा दो जितने मर्जी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस जरा इसके कॉन्टेक्स्ट देखना, आपने सचमुच कितना बड़ा पाप किया है. आपने एक्चुअली एक मेजर्ड वैल्यू के साथ ऐसी छेड़खानी की है जो पॉसिबल ही नहीं था. कोई टाइम था जो कि लाखों में एक्सप्रेस था, आपने दो जीरो और बढ़ा के उसको करोड़ों में कर दिया. आप कह रहे हो आपने पाप नहीं किया? कितना आपसे बड़ा इनसिग्निफिकेंट कोई हो ही नहीं सकता. एंड देन यू से यू आर राइटिंग इन अ साइंटिफिक फॉर्म, दैट मींस डेसिमल के आगे जीरोज ऐसे अहम ही नहीं लिखते आप कि कहीं भी कुछ लिख दो. ठीक है, तो अगर यहां ये केस समझ में आ रहा है तो फिर हर जगह के लिए इसको जनरलाइज कर दो. दैट मींस ऑल द जीरोस रिटन आफ्टर डेसिमल दे मस्ट बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, इज इट ओके? फाइन. हाँ यस बेटा, यस यस. नहीं, वो जो नंबर है 300, एक्चुअली वी आर डूइंग साइंस. ठीक है, वी आर डूइंग साइंस, सो वी नीड टू बी लॉजिकली, वी नीड टू बी साइंटिफिक मोस्ट ऑफ द टाइम. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दिस 300 नंबर. इट्स जस्ट आपको सर तो नंबर है, कहां से आया? तो सर बैठी थी सर, सोच रही थी अचानक से. सर हमने अब तक 300 बर्गर खा लिया, लेकिन फिर भी जब मैं मैकडी जाती हूँ तो मन करता है एक बर्गर खाऊं. तो आपका एक नंबर था, ये एक आउट ऑफ योर इमेजिनेशन समथिंग. मुझे कुछ में ज्यादा बड़ा साइंटिफिक तो लगा नहीं कुछ. और यू कुड बी एज रॉन्ग एज एनी प्रेप चाइल्ड.
क्योंकि तूने काउंट ही नहीं किया, ऐसे बड़े बड़े फेंक रहे हो। तुमने क्या रजिस्टर में जब भी बर्गर खा के गई तो नोट किया था कि आज 250वां हुआ, फिर 299, और आज दिवाली है, आज 300वां बर्गर खाने जा रही हूं। तो हाउ डेयर यू देन कन्वर्ट दिस रैंडम ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ योर सो कॉल्ड इमोशनल व्हाटएवर यू आर यू एज इंडिविजुअल टू अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और टू देन टेलिंग पीपल सो एक्यूरेटली एंड सो प्रिसाइजली एंड देन एक्सपेक्टिंग देम टू बी प्रिसाइज। So the number which you say, that number could be out of nowhere and out of any imagination, and therefore I'm sorry, don't count all the digits significant over there. ठीक है, is it okay? In fact, more you use these rules in chemistry as compared to physics. Physics में तो बस आज है, बस आज और एक दो class और मान लो, या फिर जब आप करोगे calculations तो कभी काम आएगा। अदरवाइज physics में और भी बहुत सारे topics हैं, but chemistry में they keep coming. Okay. Now there is another small topic where sometimes we might get confused in terms of rules. I've noted down 3 rules for you. You can note it down. We all know how to round off. We know that if the digit is 5, we are rounding off, and 5 or more than 5, then probably the left of the digit get added, 1 added. Okay. But there is a loophole in this rule also. Wanted to tell you. Not loophole, in fact, exceptions. 6.253. Round off to the 2 significant figure. What is the value? Everybody agrees? 6.253, if I round off to the 2... significant figure, then 6.3. When I round it off to the 2 significant figure, I have added 1 in this 2 and left out this 5.3. Okay? Is it okay? 6.250, and the same thing if I round off for the 3 significant figure, then 6.45. Because 3 happens to be less than 5. 6.250, round off to 3 significant figure. 6.25. Okay? Round off to the 3 significant figure. Since it was 0, I left it out. 6.25. If I round off to the 2 significant figure, आप में से बहुतों को जो आता वही बोलो, जो मैंने लिखा उसे छोड़ दो। 6.3, ठीक है। तो इसमें भी एक रूल है। एग्जैक्टली हो सकता है लॉजिकली मैं उतना, जैसे और चीजों में लॉजिकल था, हो सकता है यहां उतना लॉजिकल ना हो पाऊं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ रूल्स बने ही एक्सपेरिमेंटल डिमांड पे है। इवन ऑड का क्या चक्कर है, मे बी यू आर गोइंग टू डिस्कवर इट वंस यू perform some experiments where even number and odd number, they actually don't fit or they don't suit the machine's devices properly, because even machines have got even odd numbers working with the digital technology. If you see that, then the machines also, so we work on that basis. So 6.250 has got 2 significant figures, 4 significant figure, whereas when you round off like this, when you round off for the 3, then if it is even, then you just don't add. If it is odd, then you add. Look at this. 6.350. Round off for the 2 significant figure. 6.4. Because there was a non-zero digit after 5. Another rule. For this rule to apply, there should be 0. But if there's a non-zero digit, then the rule straight away get discarded. Then we there's no 0. But if there is a 0, then we apply this even and odd rule. Can a number have numerous significant figure? I'm sorry, no, big no, because significant figure comes out of
a process of seeking accuracy, how can that number will be having numerous value or out of any experimental result. So innumerous number is not actually permitted to have. It's a very simple, whenever we perform any experiment, we expect that the experimental result actually has got within our analyzing domain. We can analyze it, we can accept it, we can experiment it, we can. So we accept those numbers only which have got significant. Jasuza Hastings is the name. I think the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be. It's very simple, children. Can you do it? Try. I'm happy that questions are coming, though they are less in number, but I'm expecting that somebody can connect live and I can at least reply them. If they can write, they can have some live interaction as well. So I request all the coordinators to connect me with the kids who are listening so that I can interact with them. In fact, my kids also can see them, that they are actually similar children like you are sitting across the country and they are also watching. So this question, you are doing it. Kinetic energy formula. Percentage error. Delta E. Half chhod do. Delta E upon M plus 2 delta V. Multiply by 100 se. Ye nikalna hai. Ye pucha gaya hai. Ye diya hua hai. ये दिया हुआ है डेल्टा एम बाय एम दिया हुआ है ये दिया हुआ है इसलिए आंसर आ गया 8% ठीक है एएफएस एयरफोर्स स्कूल जामनगर इन व्हाट केस द सिग्निफिकेंट नंबर इज इनफाइनाइट I don't know. I will not entertain any infinite number being significant. How many stars are there in the sky? Somebody might say that, sir, hai to wo bhi nature ka hissa, we are doing physics. So, maybe this is an example where the infinite number becomes significant. Ab humare liye star agar insignificant ho jayega, to main to pata nahi humara kya hoga aage. Humare stars hi agar humare significant nahi honge. या मेरे सर में कितने बाल हैं तो बोले सर तो आप ही का है बाल भी आप ही का है तो हाउ मेनी हेयर्स आर देयर इन योर ठीक है नंबर कुछ और भी बोल सकती थी वैसे मैं काउंट नहीं करने वाला था जैसे आप बोल सकते सर 4,65,654 न विश्वास हो तो सर काउंट कर लेना आज घर जाके तो आई थिंक इमीडिएटली सिलेक्शन आप ही का होना चाहिए बजाय एज कम्पेयर टू उसके इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाले कहते वाला लेजी यार काउंट नहीं करना चाहिए उसको बोले यार क्या बात है काउंट कर रखा है एग्जैक्टली सो दैट नंबर सो इनफाइनाइट नंबर माइट बी सिग्निफिकेंट वेयर वी इधर गिव अप डूइंग फिजिक्स और मे बी वी जस्ट ओ टू द गॉड सो दैट बिकम्स द सिग्निफिकेंट आई होप दैट सर गॉट सेटिस्फाइड What is the difference between least count and zero error, zero correction? Least count is the minimum value from which a device, we can measure from a device. That is the least count. For example, the least count of a meter scale is 0.01 centimeter. Whereas the zero error happens to be the error which arises in a device which normally work with the collaboration of two different scales together and when the both the scales don't agree on zero together then that error actually is known as a zero error we need to develop a device where two scales are working together such that both the scales well agrees on zero at least zero may both the scales must agree okay so that is zero error Zero correction is the correction when you do the zero correction. Error is always subtracted. I have written somewhere, wo maine bataya nahi aapko. Error, whether it's a positive or negative, error is always subtracted with sign. That means positive error ko subtract karoge, aur negative error ko. Subtract karoge,
ऐड हो जाएगा. सो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड विद साइन. ठीक है, था ना कहीं? ठीक है, कहीं नोट कर लोगे? नहीं लिखा था. एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड विद साइन. यू आस्किंग समथिंग. इट्स नॉट दैट, बिकॉज लीस्ट काउंट इज द मिनिमम एरर. लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू विच यू कैन मेजर बाय द डिवाइस. बट because you might have carried that apparatus in measuring and you might have measured so many things, and when they collectively I ask what is the total error you have committed, that is going to be propagating in the calculations. Theek hai, any other question? Here it's if it's a number 5, if this is a number 5, only 5, then what is the significant figure? 1. Okay, it is a number, so significant is figure is 1. I don't know why you are doing it. You have to tell me. I do not know exactly why this girl is doing it. Maybe she has gone crazy or she has got some logic. Let's see here the logic. Please do that. I will accept all the zeros significant. My point is very simple. I mean business, please you also, isn't it? We all mean business. So ab ye bolna ki sir ye to chances hain sir, iske aage kitne bhi zero laga do, sir kitne bhi laga do, matlab infinite, iska matlab infinite nahi, main is logic ko purchase nahi kar sakta. Main kya matlab, main bata raha hu jo fact hai wo, main kya kisi ko bhi nahi karna chahiye. Rajan Kumar Lamba, please explain the derivation of resistance in parallel arrangement. Derivation? Okay. To round off 6.25 and 6.250, is the answer 6.3 in both the cases? No. Odd even ka chakkar hoga na fir? Answer is no, because actually it's a case of odd even. Had it been not odd even, then probably could have been same. I have already told this. पहले बता चुका हूँ. ठीक है, इन बच्चों को engage करना है. आप एक question bank होगा, open करिए. वैसे बच्चों 68 questions हैं, तो it is an affair of around 68 minutes. 1 minute per question लगना चाहिए. But I think you are so intelligent. दो दिन में मुझे लगा है, you are very intelligent. तो आप इसे half an hour में कर सकते हो. Can you?